संत समागम हरि कथा कर तुलसी दुर्लभ दो श्रुत दारायुर लक्ष्मी ये तो घर पापी के भी हो। प्रैक्टिकल की बात है प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के लिए समझाती हैं और वो कहती हैं कि संतों का आगमन उनका सत्संग किसी भाग्यशाली के यहाँ हुआ करता है। करवर सरवर संत जना चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण इन चार उधारी ने ऐसे Oh,
ध्यान से सुनने की बात है। चकवा बैन राजा का चारों कोट में राज था। साधु से बोलिया, चकवा बैन क्या ये महाराज, अश्वमेध यज्ञ किया, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। साधु ने कहा, हे राजन, हम राजंस नहीं खाए करते। चकवा बैन को अहंकार हो जाता है, अरे यू कौन सा संत है, मेरा राज तो चारों खोट में है, पूरी धरती पर मेरा ही राज है, फिर ये कहाँ रहता है। चकवा बैन ने कहा, महाराज चाहे तो प्रसाद ग्रहण कर लो, नहीं तो मेरे राज से बाहर हो जाओ। आई मौज फकीर की रे बियाजो बड़ा भो, कि फिर मेरे राज से बाहर हो जाओ। फकीर ने सोचा, चलो राज से बाहर हो जाती हैं, 12 कोस निकल गया, कोई रामू बरका मिल गया, वो कहने महाराज यह प्रसाद ग्रहण करो ना भाई, प्रसाद के ऊपर तो राड हो रही है, उन्होंने क्या हो रहा है, नुको हम वो चकवा बैन मिल गया, वो कह लिया महाराज जी यज्ञ में भोजन ग्रहण कर लो, हमने मना कर दी, वो कह लगा फिर मेरे राज से बाहर हो जाओ। अड़े में 12 कोस तो चाल पड़ा, अब तुम यो बता दे यू चकवा बैन का राज कड़े तक है, कहाँ तक है ये राज। वो रामू कह लगे महाराज जी क्यों बिरान हो रहे हो, जड़ा जाओगे ना उड़ा चकवा बैन का ही राज है चारों खूंट में। नुको अच्छा, उन्होंने साधु फिर उल्टा हो लिया, उड़े पहुंच गया जहां चकवा बैन था। राजा ने फिर सत्कार किया, आइए महाराज भोजन ग्रहण करिए। साधु ने कहा, मैंने बोला था ना कि हम राजन से नहीं खाया करते, राज से बाहर हो जाए। नुको फिर राज से बाहर भी नहीं हुआ करते, बात तो अटक गई ना, हम राजंस नहीं खाया करते और तेरे राज से बाहर भी नहीं हुआ करते राजन। के फिर महाराज यू दो होटल, उनका ना यू दो होटल लेंगे, फिर कहने 3 दिन दिए जाते हैं, 3 दिन के बाद में आपका मेरा संग्राम है, आप जीत जाओगे तो ठीक है, मैं हार जाऊंगा तो कोई बात नहीं। साधु ने अपने तपस्या के बल पर 4 कुश तैयार कर दिया है, जिसको आज मिसाइल बोलते हैं, उस टाइम पर कुश आकाश की बनाई जाती थी। 4 कुश तैयार कर दी साधु ने, और युद्ध केंद्र चकवा बैन को पता था, 1 खूंट की बटालियां पूरी 1 खूंट चढ़ा दी, साधु ने 1 कुश छोड़ दी, जल करके राख हो गई। चकवा बैन को होश नहीं आया, अहंकार के अंदर दुनिया की 2री खूंट चढ़ा दी, साधु ने 2री छोड़ दी, उसने 3री चढ़ा दी, साधु ने 3 कुछ छोड़ दी। वजीर कहने लगा, महाराज इब का तो तेरा मारा भी नंबर है। चकवा बैन की आंख खुल गई, रत्न साधु का टक्कर ले ली, 3 खूंट दुनिया की खपवा दी। क्यों कर चारा कि महाराज साधु दयालु होती हैं, संत परमार्थ के लिए आया करती हैं, आपने साधु को छेड़ दिया,
नंगे पैर मुंह में तिल लेकर के पूजा का थाल लेकर के साधु की शरण में चलती है, हो सकता है माफ कर दे। चकवा बैन संत की शरण जाता, पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाता है, गुरुदेव इस दास को माफ कर दो, गुनाह हो गया, ये सारी दुनिया खप गई, मेरी अज्ञानता के कारण मेरा नाश हो गया, आप तो दयावान हैं, दयालु हैं, दया कर दीजिए। संत ने कहा तू फिर भी चलाक निकला चकवा बैन, जा तेरे को माफ कर दिया। और वो चौथी कुसा अपनी छाती में दाग दी तो वहां कह दिया चकवा बैन क्या कहता, कारण उसको ठंडा किया जा सकता, कैसी समझा दिया। Yeah!
आखिर में तो खुलासा कर दिया। आर्य निर्भय राज दिया सतगुरु ने, हर हर बोध हवा। अरे जो सतगुरु बंदी छोड़ का दीवाना हो जाता है, तो गीशा संत साहिब कहती हैं, आई गई का सोगना सो है संत सुजान, संतों के आगे कौन चीज बादशाही, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा भूख, रोटी मांगण जिन सलज पेट में लग जा भूख, ना तो बड़े मस्त कैसे निर्भय राज दिया सतगुरु ने, हर हर बोध।